पीएम मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, पीएम मोदी के समर्पण भाव और उदार नीतियों ने बनाया नंबर वन, चुनौतीपूर्ण समय में अव्वल बनने पर जताया गर्व। दिल्ली में ठंड के बीच बारिश होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। प्रदर्शनकारियों ने कहा, सरकार नहीं दे रही कोई भी मदद, 39 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं किसान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उठाया कोरोना वैक्सीन पर सवाल, बोले नहीं लगवाएंगे बीजेपी की वैक्सीन, भरोसा नहीं, सपा की सरकार बनी तो सबको लगवाएंगे मुफ्त में टीका। सपा मुखिया के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाना देश के डॉक्टरों वैज्ञानिकों का अपमान, कसा तंज, राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकते अखिलेश। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को मारने की धमकी, दीवारों पर चिपके मिले दर्जनों पोस्टर। मोहाली के सेक्टर 66 और 67 का मामला, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नए बयान पर बवाल, हिंदू होते हैं देशभक्त। जेके बजाज और एमडी श्रीनिवास की किताब मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियाट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज का विमोचन करते हुए बोले संघ प्रमुख, हिंदू कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते। तो गांधी जी ने जो बात कही है वो गौर करने लायक है, ये देशभक्त तो हम सब है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। तो हिंदू पेट्रियॉट यानी हिंदू है तो पेट्रियॉट होना ही पड़ेगा, उसको वो मूल में उसके प्रकृति में वो है। हाँ, ऊपर की राग धूल झाड़कर उसको खड़ा करना पड़ता है, सोया हुआ पेट्रियॉट रहता है और जागृत पेट्रियॉट रहता है, ये हो सकता है, लेकिन भारत विरोधी ऐसा कोई नहीं रहता है, भारत द्रोही ऐसा कोई नहीं रहता है। हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी गिरफ्तार। गुजरात के स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, हिंद रक्षक संगठन ने एमपी के इंदौर से कराया गिरफ्तार। तीसरे टेस्ट से पहले आइसोलेशन में 5 भारतीय क्रिकेटर्स, बायोसिक्योर वातावरण तोड़ने का आरोप। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, नवदीप सैनी और पृथ्वी शाह का नाम नए साल पर खाना खाने बाहर निकलना पड़ा भारी जांच में जुट बीसीसीआई। मुंबई हमले का लीडर जकीउर रहमान लखवी पाकिस्तान में गिरफ्तार। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा का सरगना है जकीउर रहमान लखवी। आतंकियों को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप, पाकिस्तान के पंजाब आतंक निरोधी विभाग ने किया अरेस्ट। मुकेश अंबानी के नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड को 10 करोड़ का जुर्माना। सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर कारोबार में गड़बड़ी पर लगाया 25 करोड़ का जुर्माना। 2 अन्य कंपनियों को भी 15 करोड़ और मुंबई सेज लिमिटेड को 10 करोड़ की पेनाल्टी। एशिया के सबसे अमीर कारोबारी के कामकाज पर उठे सवाल। सावित्रीबाई फुले की जयंती आज। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुष्प अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक रहीं सावित्रीबाई फुले। 1838 में खोला था पहला कन्या विद्यालय। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।